आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। पास्ता तो आपने मार्केट में बहुत खाया होगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह से पास्ता बनाएंगे तो आपके बच्चे मार्केट का पास्ता खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता। अपने अपने घर पर बनाइए। हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइज? मेरी वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई टेम्पटिंग सी रेसिपी। बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसमें जाएगा थोड़ा पानी, यहाँ पे मैं एक से डेढ़ ग्लास पानी के करीब यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि हमें बाद में भी नमक यूज़ करना है। और इसको हम चला के एक बार अच्छे से घोल लेंगे, और उसके बाद हमने अपने कढ़ाई के ऊपर या अपने बर्तन के ऊपर को लिड लगानी है, कवर करना है, और एक उबाल आने तक वेट कीजिएगा। देखिए गाइस, पानी में उबाल आ गया है और अब इसमें जाएगा हमारा पास्ता। ये तकरीबन एक से डेढ़ कप के करीब पास्ता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पास्ता की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसको चलाते हुए, जब तक ये गल नहीं जाता, हमने इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेना है, लिड ढक लगा के पका लेना है, लेकिन बीच बीच में चलाते रहना है, पास्ता नीचे लगना नहीं चाहिए। गाइस बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास्ता के ऊपर वाइट कलर का जो ये आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा पास्ता बिल्कुल कुक हो गया। ये देखिए कितना आसानी से ये नाइफ़ से कट गया। तो अब इसको फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और उसको स्टेन कर लेते हैं। ये मैंने फिर से सेम पैन रखा है और इसमें जाएगा एक ग्लास के करीब दोबारा से मुझे पानी डालना है। और अब उसमें जाएंगे मेरे तीन टमाटर, दो से तीन टमाटर, या जितने भी आपको अपनी रेड सॉस बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दो से तीन लाल मिर्च, अगर आपके पास सूखी हुई लाल मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये हरे वाली ही रेड हो गई थी, मैंने उनको यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मेरे पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, जो मेरे टमाटर हैं उस पर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब जो मेरे टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। जो मेरी हरी मिर्चें हैं वो भी बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को करना है ऑफ़ और टमाटर्स को अच्छे से ठंडा होने तक रख देंगे। मैंने दोबारा से वही सेम पैन रखा है और उस पैन में जाएगा एक से डेढ़ बड़ा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, थोड़े से सरसों के दाने, आप राई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से चटक जाने दीजिए। और अब उसके बाद जाएगा, जब हमारी राई या सरसों हो जाएंगी तो हमने डालना है इसमें थोड़ा सा प्याज। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग इनको कट कर सकते हैं। मार्केट वाले पास्ता में लंबे स्लाइसेस आते हैं, इसलिए मैंने वही फ्लेवर में कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनको अच्छे से भून लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि प्याज का क्रंचीनेस बना रहना चाहिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और मैंने डाला है इसमें एक शिमला मिर्च, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया था, बिल्कुल भी हमारी वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए गाइस, जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें बॉईल की थी उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इससे हमारी एक ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की एक हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें जाएगा एक चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा ओरिगैनो, मिक्स हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी मसालों से खुशबू आ रही है यार। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चीज़, यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब का यूज़ किया था, आप चीज़ स्लाइस का, मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा। अगर आपको अपनी ग्रेवी में थोड़ा लिक्विडिटी कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चलाते हुए कुक कर लेना है हमने। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ध्यान से डालिएगा, ऐसा आपको पता है कि हम लोगों ने भूनते हुए अपने पास्ता को उबालते हुए भी नमक यूज़ किया था, तो नमक को ध्यान से ही डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए, चीज़ में भी नमक होता है इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम जाएगा इसमें हमारा बॉयल किया हुआ पास्ता, और हमें अपने पास्ता को बहुत अच्छे से लेकिन हल्के हाथों से चलाना है, हमारे पास्ता टूटने नहीं चाहिए। आप कर्ल वाला पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्लेन वाला आता है आप लाइनिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो तैयार है हमारा टेस्टी टेम्पटिंग सा वेज पास्ता, क्रीमी चीज़ी एंड यस बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। बच्चों को अपने खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएगा।
मार्केट वाला हार्मफुल होता है वो बिल्कुल मत दिया कीजिए, उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है गले में, वो पता नहीं किस किस तरह के मसाले लगाते हैं। तो अब मैं इसको चीज़ से, थोड़ा सा चीज़ मैंने रख लिया था ग्रेट करके, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है और तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सा पास्ता। आज ही अपने बच्चों को खिलाइए, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइज, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय।